हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 12th यानी कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 19 नंबर वीडियो है। केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 18 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप अभी तक इस सभी 18 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका केमिस्ट्री का जो 10th नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स, इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का जो है 31 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि आयोडो फॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से बनता है। आयोडो फॉर्म को जब आप क्या करते हैं, सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा। तो 31 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, याद रखिएगा, एसीटिलीन। क्या बनेगा? तो एसीटिलीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपके 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एथिल एल्कोहल को विरंजक चूर्ण तथा जल के साथ स्वतरण करने से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होगा। तो 32 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखिएगा यहाँ पर आपका क्लोरोफॉर्म जो है बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपके 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाला, यहाँ पर उपयोग में जो है लाए जाने वाला जो हैलोजन यौगिक हैं वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 33 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे CCl4, यहाँ पर जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में उपयोग जो है लाए जाने वाला क्या है, यौगिक हैं, यह आप याद रखेंगे। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। साइंस के लिए 2 मोबाइल ऐप है, दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, डाउनलोड करेंगे तो सारा सुविधा आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि निम्न में कौन आयोडो फॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। आयोडो फॉर्म रिएक्शन जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं दे सकता है। तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका जो है ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे CHHO, ठीक है, CHHO यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपके 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन है 1-ब्यूटेनॉल को 1-ब्रोमो-ब्यूटेनॉल में आप क्या करते हैं, परिवर्तित करने के लिए किस अभिकारक का व्यवहार किया जाता है। तो 35 का यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। यहां पर आप डी ऑप्शन जो है नीचे देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि PBr3 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपके जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि CH3 का हॉल 2 इंटू CHCl प्लस NaL का आप जो है अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, तो एसीटोन के साथ, तो जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, CH3 का हॉल 2 CHI प्लस NaCl बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे फिन कैल्सरीन अभिक्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब CCl4 के साथ AgNO3 की अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, यहाँ पर जो है आप याद रखेंगे कि इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर आपका क्या होगा सही होगा, क्योंकि ऐसा कोई इसमें से कोई भी जो है परिवर्तन या फिर और नहीं होती, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे आपके जो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म को ZN तथा H2O से अवकृत करने से बनता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे मीथेन बनता है, क्या बनता है, मीथेन बनता है। नेक्स्ट आपके देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 36 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एथिल क्लोराइड
को AgCN के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। AgCN के साथ जब आप गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो 36 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एथिल आइसो साइनाइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपके 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन I2 तथा NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, NaOH के साथ अभिक्रिया कर पीला अवक्षेप देता है, तो कौन सा जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा? तो 37 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे एसीटोफ है नॉन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपके 38 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निम्न में कौन प्राइमरी हेलाइड हैं, प्राइमरी हेलाइड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका 38 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे नियो हेक्साइल क्लोराइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपके 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन कायरल यौगिक नहीं है, कायरल यौगिक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो 39 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे ब्रोमो पेंटेन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, या अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं चैप्टर वाइज तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरे वीडियो को खोल लेना है और उसमें देखते रहना, आपको पूरा जो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म अणु में हाइड्रोजन की प्रकृति है, हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है, किसमें? तो क्लोरोफॉर्म अणु में। तो 40 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे अम्लीय होता है, कैसा होता है? अम्लीय यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपके 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है। जब आप एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा? तो 41 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे ईथर बनेगा। क्या है? ईथर। और ईथर एक नशीला पदार्थ होता है, यह भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आपको बताना है कि ब्रोमो जो बेंजीन है इसके साथ मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो 42 का जो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे ओ तथापि ब्रोमो टॉलबीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके 44 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि व्यापारिक पैमाने पर क्लोरोबेंजीन जो है बनाया जाता है किस विधि से बनाया जाता है। तो 44 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे रेस्टिंग विधि यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल ही सही होगा, रेस्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और कितना बार पूछा जा चुका है ये आप सोच नहीं सकते हैं। तो 45 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, CnH2n यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट आप लोग जो है देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इथेन में कार्बन का संकरण, डैट मीन्स कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। तो 46 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, sp3 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इथाइन में पाई ब्रांड की संख्या है, पाई ब्रांड की संख्या कितनी है? तो 47 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, या देखेंगे 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपके 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य सूत्र CnH2nO विवृत श्रृंखला के लिए हैं, तो किस श्रृंखला के लिए हैं? तो 48 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे कार्बोक्सिल अम्ल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपके 49 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन सा है निम्नलिखित में से? तो 49 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे एल्केन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर आपके 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन है कि हीरे में कार्बन का संकरण क्या है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो 50 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे sp3, हीरा में कार्बन का जो संकरण है वो क्या होगा, sp3 होगा।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 51 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि कार्बन यौगिक में तल उपस्थित होना चाहिए, तल उपस्थित कार्बन यौगिक में, सॉरी तलने तत्व है, कार्बन यौगिक में कौन सा तत्व जो है उपस्थित होना चाहिए। तो 51 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे कार्बन कौन सा, तो कार्बन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपके 52 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो 52 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे कार्बन में। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 53 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे BF3 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके 54 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है। तो 54 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे ए और बी दोनों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी हो सकती है। तो 55 का सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, याद रखेंगे 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपके 56 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो 56 का जो आपका डी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे 4 है, कार्बन की संयोजकता जो है वो कितना है 4 है, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि एल्काइल हैलाइड को किससे बनाने में किससे या फिर किसके बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसके बनाने में जो है एल्काइल हैलाइड का प्रयोग करेंगे। तो 57 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे सभी का, वो या तो एल्केन हो, एल्कीन हो, या फिर एल्कोहल हो, ये सभी को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर आपको इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स का मॉडल पेपर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।